अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपडेट मैं लेकर आई हूँ। सो अब आप एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन वाला फीचर यूज़ कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम आईफोन के एंड्रॉयड में यूज़ कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है। सो मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कि एप्पल जल्द ही अपना एप्पल टीवी प्लस ऐप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए रोल आउट कर सकता है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में ये लीक हुआ है कि एप्पल अपने टीवी ऐप का एक नया ऐप डिज़ाइन कर रहा है जिसे एंड्रॉयड फ़ोन पर भी चलाया जा सकता है। और स्पेशली माना जा रहा है कि इसको अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो एप्पल ने तैयारी कर दी है और इस तरीके का ऐप डिज़ाइन किया जा रहा है जिसे एप्पल टीवी प्लस ऐप को एंड्रॉयड फोन्स में भी चलाया जा सके। वैसे तो एप्पल टीवी प्लस ऐप को यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और एक पेड ऐप है, जैसे आप नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो एप्पल टीवी ऐप पर ऐसे बहुत सी मूवीज़ शोज़ हैं जो सिर्फ उसी ऐप पर मिलते हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफर करते हैं। सो आईफोन में तो आप यूज़ ही कर पाते हैं, लेकिन अब ये ऐप आप एंड्रॉयड में भी यूज़ कर पाएंगे। सो ये ऐप यूज़ करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, जैसे आप प्ले स्टोर से नॉर्मल ऐप्स डाउनलोड कर पाते हैं, ऐसे कुछ टाइम बाद आप एप्पल के इस टीवी ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। सो इसके साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि भारत में एप्पल टीवी ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है वो 99 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है और 7 दिन के लिए ना एप्पल फ्री ट्रायल भी देता है। तो अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और एक ट्रायल लेना चाहते हैं तो 7 दिन तक का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। उसके बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो आपको पर मंथ 99 रुपीज़ के हिसाब से देना होगा। हालांकि ये नेटफ्लिक्स और जो अमेज़ॉन प्राइम है उससे सस्ता भी है और इसमें कुछ और पेड मूवीज़ भी होती हैं और पेड सीरीज़ होती है जिसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देना होता है। इसी के साथ ये सिर्फ सिंगल प्लान नहीं है, इसमें और भी मल्टीपल प्लान्स मिलते हैं और ये आईपैड आईफोन और मैकबुक के साथ कंपैटिबल है। तो मतलब आईफोन आईमैक और जो लोग आईपैड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस ऐप का अभी तक यूज़ कर पाते थे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप एंड्रॉयड डिवाइसेस पर, और मेरा मानना है कि सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं, आने वाले टाइम में आप एंड्रॉयड टीवी पर भी इस ऐप का यूज़ कर पाएंगे। सो इसमें अच्छा अपडेट ये भी है कि आईफोन आईपैड और मैकबुक वाले यूज़र्स को 3 महीने तक का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा और नया अपडेट है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बहुत से एंड्रॉयड यूज़र शायद ये सोच रहे होंगे कि आईफोन या फिर एप्पल क्यों एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए अपना एप्पल टीवी ऐप इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एप्पल अपने जो टीवी ऐप है उसके यूज़र बेस को बढ़ाना चाहती है और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल करता है। सो और जितने भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए भी एप्पल अपने यूज़र बेस को बहुत अच्छे से एक्सटेंड करना चाहता है। तो इसीलिए शायद एप्पल अपने टीवी ऐप को एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको रोल आउट भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप भी एंड्रॉयड फ़ोन में एप्पल टीवी ऐप का यूज़ करेंगे या नहीं? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। साथ ही ये वीडियो और ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।